अब आई होप आपको आवाज आ गई होगी। वो मेरी मैंने ध्यान नहीं दिया था, इस वजह से आपको आवाज आने में प्रॉब्लम हुई होगी। अब आ रही होगी आवाज, नो वॉल्यूम सर, आपने में ही मस्त। नहीं, धर्मेंद्र, मैंने ध्यान दे दिया, अब आपका कमेंट तो देखो सर। ठीक है ठीक है, अब कमेंट आवाज आ रही होगी, यस लिखना शुरू करिए। बिल्कुल बिल्कुल, अब आवाज आ रही है। तो आपको बताना है कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं, कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम बताना है। तो बताइएगा दोस्त, कंप्यूटर साइंस। अब यहां पे आपको तीन चार क्वेश्चन दे दिया है, एक बार कमेंट भी देख लीजिए। कृष्णा कुमार, मैंने देख लिया दोस्त, यस। अब आवाज आ गई है तो फिर आंसर करिए। तो भाई मॉडेम जुड़ा रहता है आपका। अब चलिए इस क्वेश्चन में क्लियर सर, सर अब क्लियर, थैंक यू सर। भाई ठीक है ना, कभी कभार यार दोस्त हैं तुम ही लोग के जैसे थोड़े तुम भुलक्कड़ वैसे थोड़े हम भुलक्कड़, तो वॉइस ओपन करना भूल गए। क्लियर है, चलो बताओ थोड़ा सा कि मॉडेम किससे जुड़ा रहता है। अब सभी लोग जुड़ करके बताओ मॉडेम किससे जुड़ा रहता है। दोस्त याद रखना, मॉडेम हमेशा आपके फोन लाइन से जुड़ा रहता है, वो प्रिंटर से नहीं जुड़ता है, वो प्रोसेसर से नहीं, वो मदरबोर्ड से नहीं, वो प्रिंटर से जुड़ता है, ठीक है ना। कंप्यूटर की अशुद्धि को दोस्त बग कहते हैं, ये भी क्वेश्चन रहा है, कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। कंप्यूटर साइंस में पीएचडी करने वाला पहला व्यक्ति कौन था, तो दोस्त ये भी देखो रेलवे के क्वेश्चन का पैटर्न समझो, राज रेड्डी। और आज आप लोग का टेस्ट है, आज आप लोग का टेस्ट है, 3 दिन लगातार चलेगा ये टेस्ट, क्लियर है। राज रेड्डी, और यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त, तो याद रखना यूनिफॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स री सोर्स, यूनिफॉर्म्स रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन, क्लियर है, चलेगा, बहुत बढ़िया। डॉक्टर प्रथम व्यक्ति थे डॉक्टर राज रेड्डी, जो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी के हैं। कंप्यूटर की अशुद्धि को बग कहते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म सोर्स लोकेटर होता है। और मॉडेम किससे जुड़ा होता है, फोन लाइन से। एक एक क्वेश्चन में 5 5 क्वेश्चन। अगला, सीडी किस आकार की होती है। भैया ये क्वेश्चन तो ऐसा आ गया कि बहुत आसान हो गया। सीडी का फुल फॉर्म आपको यहां बताना होगा, सीडी का फुल फॉर्म सभी लोग बताइएगा। और दोस्त आपको यह भी बताना है कि एक छोटा सा क्वेश्चन आसान लेवल का ये भी आता है कि 1 KB इज इक्वल टू कितने बाइट्स होते हैं, आपको ये बताना है। 1 KB इज इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, एक ये क्वेश्चन आपको बताना है। उसके अलावा दोस्त एक टफ लेवल का भी क्वेश्चन साथ में डिस्कस किया जाए, जो रेलवे ने पूछा कि माउस का आविष्कार किसने किया, जो आपके कंप्यूटर में उपयोग होने वाला माउस, एक इनपुट की माउस का आविष्कार किसने किया, जरा बताइएगा दोस्त। माउस का आविष्कार, बिल्कुल राउंड होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसका होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क, क्लियर है। अब आपको बताना है 1 KB इज इक्वल टू, तो भैया 1024 बाइट होता है। आप देखना ऐसे भी आसान लेवल के क्वेश्चन आए हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं दोस्त जो सभी को एक समान पेपर में लाके खड़ा करते हैं, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो भीड़ से आपको अलग करते हैं। 3 क्वेश्चन तो आसान। अब लेकिन देखो माउस का आविष्कार जब उसने पूछ दिया रेलवे के पेपर में, भैया तब माउस का आविष्कार किसने किया, ये हो गया थोड़ा सा टफ। अब ये जिसको याद है वही कर पाएगा, क्यों, गोयल जी, विकास, कीनू, साकेत, धर्मेंद्र, चंद्रा साहब। तो भैया माउस का आविष्कार डगलस किसने किया था, तो याद रखना आज के बाद ये भूलना नहीं चाहिए भाई, डगलस इंजेल वर्ट, डगलस इंजेल वर्ट, डगलस इंजेल वर्ट ने किया था, डगलस इंजेल वर्ट ने किया था, क्लियर है ना, डगलस इंजेल वर्ट। और WWW का आविष्कार किसने किया है, वर्ल्ड वाइड वेब का, दोहरा लिया जाए तो दोस्त याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार क्या है, टीम ब्रंस ली ने, टीम ब्रंस ली ने। और कंप्यूटर के पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, दोहराना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे क्लास में, चार्ल्स बेबेज को, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पितामह, बिल्कुल। नंबुन निशा जी, BRG म्यूजिक जी, संतोष, रॉकी राज, विकास, श्रीनाथ, नीरज, कमल भंडारी, दोस्त सीडी किस आकार का होता है ये आपको क्लियर करना है। अच्छा अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, सारे आज कॉम्बिनेशन है, कंप्यूटर, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, पूरा मॉक टेस्ट आपके सामने रहेगा। बाल पेन का आविष्कार किसने किया था, अब देखो एक क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से आ गया, 2 क्वेश्चन करंट अफेयर आपके कंप्यूटर सेक्शन से, तो अगला क्वेश्चन स्टैटिक से, कंप्लीट मॉक पेपर, मतलब दोस्त कंप्लीट मॉक पेपर होता है। बाल पेन का आविष्कार किसने किया था दोस्त, अब आपको बताना है बहुत ध्यान से कि बाल पेन का आविष्कार किसने किया था। यहां पे दोस्त मैं आपसे एक दो और पूछूंगा, बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया, बैरोमीटर
यही सारे ना एक दिन देखना बहुत काम आने वाले हैं। उसके अलावा दोस्त आपको बताना है टीवी का आविष्कार किसने किया, उसके अलावा दोस्त आपको बताना है रेडियो का आविष्कार किसने किया, टीवी का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, उसके अलावा दोस्त आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया, डायनमो, टीवी का आविष्कार, रेलवे का, टीवी का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार, डायनमो का आविष्कार। और आपको साथ ही साथ यहां पे बॉल पेन है ना, आप एक और बताइए फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया, फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन का आविष्कार, हम लोग बचपन में बहुत उपयोग करते थे फाउंटेन पेन, सबके आविष्कारक के नाम जरा बताइएगा। तो भाई बिल्कुल बाल पेन का आविष्कार किया है बीरो ब्रदर्स ने, बाल पेन का आविष्कार किया है बीरो ब्रदर्स ने, वहीं फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन ने, फाउंटेन पेन का आविष्कार किया है वाटरमैन ने। बैरोमीटर का दोस्त यदि आपसे पूछे तो ई टॉर सेली ने, यह रेलवे का बहुत फेमस क्वेश्चन है, ई टॉर र सेली, ई टॉर सेली ने बैरोमीटर का आविष्कार, ई टॉर सेली ने टीवी का आविष्कार, जे एल बेयर्ड ने टीवी का आविष्कार, जे एल बेयर्ड ने। अब जरा मैं आपके कमेंट बॉक्स देखूं, बिल्कुल बैरोमीटर, टॉर सेली, बहुत बढ़िया, माइकल फैराडे, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे, बहुत सही दोस्तों आप लोग आंसर कर रहे हो, फाउंटेन पेन वाटरमैन, खुशी, बहुत बढ़िया, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे, डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे। टीवी वाला तो आसान है, टीवी वाला तो आसान है, और इस रेडियो का आविष्कार किसने किया, तो मार्कोनी ने, रेडियो का आविष्कार किसने किया, मार्कोनी ने। टेलीफोन का आविष्कार, फोन का आविष्कार किसने किया भैया, तो ग्राहम बेल ने, किसने किया, तो ग्राहम बेल ने, ग्राहम बेल ने, क्लियर है, ग्राहम बेल ने। अगले क्वेश्चन पे जानते हैं, बिल्कुल बड़े भारद्वाज जी आपका नाम लिया जाएगा दोस्त, क्यों नहीं नाम लिया, कुमारी स्वीटी, समीरा, रोहित, ममता शर्मा, सिद्ध राणा, रोशन तिवारी, दोस्त एक क्वेश्चन में पांच क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्ति प्राप्त है। अब आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, ऑप्शन ए है दो प्रकार की, ऑप्शन बी है तीन प्रकार की, ऑप्शन सी है चार प्रकार की, और ऑप्शन डी है पांच प्रकार की। तो दोस्त जरा बताइएगा कि किसने, अब यहां भारत के राष्ट्रपति के सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल दोहरा लिया जाए, आपको बताना है आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 61 में क्या है, आर्टिकल 123 में क्या है, आर्टिकल 143 में क्या है, क्लियर है, ये सारी आपको आर्टिकल्स थोड़े बताने हैं ताकि सारे इंपॉर्टेंट हम लोग दोहरा लें, और आर्टिकल 331 में क्या है, इतने राष्ट्रपति से रिलेटेड जरूरी आर्टिकल्स हैं वो। साथ ही साथ दोस्त आप तीन आर्टिकल और जानते हो, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। एक क्वेश्चन पांच क्वेश्चन का रिवीजन, भाई बिल्कुल तीन प्रकार के, और वो तीन प्रकार के आपातकालीन कौन है दोस्त, जब कोई विदेशी देश हमारे देश पे आक्रमण करे तो हम लोग क्या लगाते हैं, राष्ट्रीय आपात, तो ये है राष्ट्रीय आपात, ये है राष्ट्रीय आपात, जब कोई विदेशी देश हमारे देश पे हमला करे या हम कहीं करें तब, मतलब इसको शॉर्टकट में आक्रमण के केस में। दोस्त जब राज्यों में लगता है तब होता है राष्ट्रपति शासन, तब क्या लगता है राष्ट्रपति शासन, क्लियर है, तब लगता है राष्ट्रपति शासन, ये राज्यों के लिए है, ये राज्य के लिए है। और दोस्त जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है तब लगता है वित्तीय आपात, क्लियर है, वित्तीय आपात, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और दोस्त अगर इधर के आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 72 के अंतर्गत क्या देता है, क्षमादान, पार्डन पावर, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहते हो, क्षमादान कहते हो। आर्टिकल 61 में महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर लगता है, महाभियोग लगता है। उसके अलावा आर्टिकल 123 में क्या जारी करता है, अध्यादेश, ऑर्डिनेंस। अब आप सोच रहे होंगे अध्यादेश क्या है, जब सदन के दोनों, संसद के दोनों सदन न चल रहे तब अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 113 सुप्रीम कोर्ट से, 143 सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है, सुप्रीम कोर्ट से सलाह, क्लियर है। और अगर हम लोग दोस्त बात करें, बिल्कुल बिल्कुल संदीप कुमार जी आपका सही है आंसर, 331, तो वो एंग्लो इंडियन लोगों को नहीं, एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, एंग्लो इंडियन, उनको जो संसद में ले आता है, 2 और 12 लोगों को नहीं ले आते हैं, तो ये जो एंग्लो इंडियन संसद में एंट्री, संसद में, समझ लीजिएगा, ये मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं कि जो एंग्लो इंडियंस 2 और राज्यसभा लोकसभा में 2 और 12 लोगों को नियुक्ति करता है ना, वो उनका आर्टिकल 331 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अच्छा याद रखना,
आज तक महाभियोग किसी के ऊपर नहीं लगा, हिस्ट्री में एक ही व्यक्ति पे महाभियोग लगा है और उसका नाम है वॉरेन हेस्टिंग्स। उसका नाम क्या है दोस्त? वॉरेन हेस्टिंग्स। आज तक किसी भी भारतीय राष्ट्रपति, वॉरेन हेस्टिंग का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये भी भारत के मतलब राष्ट्रपति पद के तुल्य माना गया उस समय। तो आज तक एक ही व्यक्ति पे महाभियोग लगा है, वॉरेन हेस्टिंग, और किसने लगाया है एसएससी में ये पूछ देता है, तो याद रखना बर्क द्वारा। बर्क नाम का एक अंग्रेज था जिसने वॉरेन हेस्टिंग पे महाभियोग लगाया है और किसी भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। क्लियर है? अच्छा, क्या आप बता सकते हो, यहां पे एक दो क्वेश्चन और किया जाएगा, यहां पे एक क्वेश्चन और, प्रथम निर्विरोध राष्ट्रपति आपको बताना है, उस राष्ट्रपति का नाम जो निर्विरोध चुने गए, निर्विरोध, ठीक है, जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए, और दोस्त प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति, ये दो क्वेश्चन भी खूब पूछता है। तो प्रथम जो निर्विरोध चूज किए गए दोस्त वो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी ये निर्विरोध चूज किए गए थे, नीलम संजीव रेड्डी दोस्त। और जो कार्यवाहक रहे हैं वो कौन रहे हैं? वी वी गिरी रहे हैं। क्लियर है? कार्यवाहक कौन रहे हैं? वी वी गिरी। क्लियर है? बहुत बढ़िया। कार्यवाहक कौन रहे हैं? तो वी वी गिरी रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कार्यवाहक वी वी गिरी रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है दोस्त ये है आपका, राज्यसभा की निश्चित ताकत क्या है, मतलब राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर हो सकते हैं अधिक से अधिक, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा। तो दोस्त यहां पे दो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपके होश उड़ा देंगे, कोई भी 300-350 लड़के जो आंसर कर दे तो मैं बताऊं कि उसका आंसर क्या होगा। राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा एक है दोस्त और एक है आपका लोकसभा, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। प्रथम लोकसभा विपक्ष का नेता कौन था? विपक्ष का नेता, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता का नाम बताओ। और दोस्त प्रथम, जब भारत आजाद हुआ, प्रथम राज्यसभा के विपक्ष का नेता, यह है रेलवे का क्वेश्चन। ये वास्तव में दोस्त आप अपनी जो स्पीडी वाली जो बुक आप लोग पढ़ते रहते हो, जरा कोई भी बता दे कि विपक्ष का, हाँ इसका आंसर 250 सही है, बिल्कुल इसका आंसर 250 सही है, और वर्तमान में 245 उपस्थित है, वर्तमान में 245 उपस्थित है, ये बात ठीक है। और ये सीट 2026 तक यथावत बनी रहेगी, 2026 तक यथावत बनी रहेगी। ये सारी 1972 की जनगणना पर आधारित है, 1972 की जनगणना पर ये सारी सीटें आधारित हैं। ये भी बात याद रखना कि इस समय जो सांसदों की संख्या है 1972 की जनगणना पर आधारित है। अब इस क्वेश्चन का कोई, श्यामा प्रसाद विकास सिंह कह रहे हैं, श्यामा प्रसाद, प्रियंका कह रही है, एएलपी नीलम कौन है, अच्छा ये बात, लोकसभा चलिए बताइएगा, लोकसभा धर्मेंद्र, विकास, पिस्टल, श्रीनाथ कुमारी, स्वीटी, आरूही जी, राहुल जी, गुड्डी सिंह, प्रियंका यादव जी, जरा बताइएगा प्रथम राज्यसभा के विपक्ष का नेता और प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता। भाई इतना आसान तो नहीं ले लेगा ना रेलवे, इतना जल्दी भी तो सिलेक्शन नहीं ले लेगा। तो भैया याद रखिएगा, प्रथम विपक्ष नेता राज्यसभा, प्रथम विपक्ष नेता राज्यसभा थे राम सुभग सिंह। क्या नाम था? राम सुभग सिंह। राम सुभग सिंह हुआ करते थे प्रथम विपक्ष के नेता। और इधर हुआ करते थे कमलापति त्रिपाठी, इधर हुआ करते थे कमलापति त्रिपाठी। क्लियर है ना? कमलापति त्रिपाठी। अब भैया आज के बाद इसको मत भूल जाना, क्लियर है? अब इसको नहीं भूलना है। राम सुभग सिंह राज्यसभा से थे प्रथम विपक्ष का नेता और लोकसभा में थे कमलापति त्रिपाठी, ठीक है? नहीं नहीं मोरारजी देसाई नहीं दोस्त, ये लोग, ठीक है? चलिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है? और अच्छा, राज्यसभा की पहली महिला सचिव का नाम बताओ। राज्यसभा की पहली महिला सचिव, कोई भी बता दे। राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव, प्रथम महिला सचिव कौन रही है? प्रथम महिला सचिव जो कभी भी राज्यसभा की रही हो, राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव का नाम कोई भी बता सकता है? कोई भी? ऋचा, आरूही, राहुल, रविंद्र, जरा बताओ। संध्या शुक्ला जी, सपना कुमारी जी, बताइएगा राज्यसभा की प्रथम महिला सचिव का नाम क्या है? तो भैया याद रखेंगे बी एस रामा देवी, बहुत चर्चा में रही हैं इसलिए इनको ध्यान रखिएगा, बी एस रामा देवी, राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव बी एस रामा देवी। क्लियर है? बी एस रामा देवी। चलेगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। और राज्यसभा के पहली गठन कब हुआ था? अगर राज्यसभा का गठन पूछे कि किस डेट में हुआ था,
था दोस्त, तो याद रखना अप्रैल 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ था, और तब इसे किस नाम से जानते थे, तो राज्यसभा को उस समय काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जानते थे, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, क्लियर है, ध्यान रखना इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से भी हम राज्यसभा को जानते हैं। वर्तमान में हम इसे एल्डर्स हाउस, फर्स्ट हाउस, बड़ों का सदन, ये सब भी हम लोग कहते हैं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन पर्यटन, अब देखो इकोनॉमी का क्वेश्चन आ गया। आज मैंने कहा ना मॉक पेपर यदि मैं लूंगा तो पूरा रेलवे का पैटर्न आपके सामने रहेगा। पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा जाता है, पर्यटन से उत्पन्न आय को, दोस्त देखो राष्ट्रीय, यहां पे दो तीन क्वेश्चन आपसे मैं कर सकता हूं। देखो जो दोस्त आय है उसे हम लोग तीन सेक्टर में, प्राथमिक क्षेत्र, आय को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, क्लियर है। उसके अलावा एक होता है दोस्त द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी, क्लियर है, द्वितीयक क्षेत्र सेकेंडरी सेक्टर होता है, और एक होता है दोस्त तृतीयक, टर्शियरी, तृतीयक क्षेत्र। तो इनके एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछता है। तो पर्यटन से उत्पन्न आय को हम लोग किस में रखते हैं, तो पहले तो ये जान लो इनविजिबल एक्सपोर्ट में रखते हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट में रखते हैं। प्राथमिक क्षेत्र भारत सरकार के, इकोनॉमी से रिलेटेड भारत सरकार के तीन क्षेत्र हैं। प्राथमिक क्षेत्र कौन कौन से हैं दोस्त, प्राथमिक में आता है कृषि, ये जरूर ध्यान रखना, प्राथमिक में आता है दोस्त पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, फिर एनिमल हस्बेंड्री, और दोस्त मत्स्य पालन, मत्स्य पालन जो फिशरी होता है, फिशरी जो होता है दोस्त, मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि, ये तीनों बहुत अच्छा है, क्लियर है। कृषि अभी एक मुझे याद है कि मेरा एक अपना छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप है उस पर एक लड़की ने बहुत अच्छा, मुझे मैम का नाम नहीं याद आ रहा है, उन्होंने पूछा था कि सर मत्स्य पालन का जनक, मत्स्य पालन का जनक किसे कहा जाता है, जो मेरे टेलीग्राम ग्रुप का था। तो वहां पे मुझे पता चला था कि भाई सीखने को बहुत कुछ मिलता है, उन्होंने कुछ नाम बताया था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं अपने ग्रुप को देखूंगा तो मुझे याद आ जाएगा कि मत्स्य पालन, फिशरी का जनक भारत में किसे कहा गया था। खैर द्वितीयक क्षेत्र से कौन आता है, द्वितीयक क्षेत्र से कौन आता है दोस्त, तो जरा ये भी याद रखना, ये डिफ्रेंसिएशन आपको पता होना चाहिए। निर्माण विभाग जो आता है, निर्माण द्वितीयक क्षेत्र में है, विद्युत द्वितीयक क्षेत्र में आता है, विद्युत आपका किस में आता है, द्वितीयक क्षेत्र में आता है दोस्त, और जल आपूर्ति, जो जल आपूर्ति है वो भी आपके द्वितीयक क्षेत्र में आता है, जो जल आपूर्ति है वो भी द्वितीयक क्षेत्र में। अब तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, सेवा क्षेत्र, जो सेवा क्षेत्र है दोस्त वो तृतीयक में आता है, जो सेवा क्षेत्र है वो तृतीयक में आता है। व्यवसाय, जो बिजनेस है दोस्त आपका वो किस में आता है, तृतीयक में। व्यवसाय मतलब यहां पे मैं व्यापार कर दूं, व्यापार, क्लियर है, व्यापार दोस्त। और उसके अलावा परिवहन, और उसके अलावा परिवहन, ये सब आता है। हीरा लाल, हाँ हीरा लाल जी बिल्कुल, जीएस वो हीरा लाल जी बिल्कुल, जो ग्रुप में ये चर्चा हुई थी मत्स्य पालन, हीरा लाल बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल किनू जी, आपको पता चल जाएगा दोस्त, आप कमेंट पढ़ें आपको पता हो जाएगा, क्लियर है किनू जी। तो चलेगा छठवां क्वेश्चन, सातवें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ये रहा, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है, द मेन सोर्स ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया इज, भारत में राष्ट्रीय आय का स्रोत क्या है, अब आपको बताना है। देखो मैंने पिछले स्लाइड को पहले देखो कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन है, द्वितीयक क्षेत्र में कौन है, तृतीयक क्षेत्र में कौन है, अब सातवें क्वेश्चन का जरा आंसर करने को आंसर करो, क्लियर है। सातवें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य क्षेत्र क्या है, सर्विस सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्रियल है या ट्रेड है, जरा बताइएगा दोस्त। बिल्कुल एक बात याद रखना, जो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत है दोस्त वो इस समय क्या बना हुआ है आपका, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर राष्ट्रीय आय का पहला क्षेत्र है। अच्छा राष्ट्रीय आय का गणना, राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया, राष्ट्रीय आय का गणना सर्वप्रथम किसने किया, कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा सर्वप्रथम किसने किया राष्ट्रीय आय की गणना। दोस्त सबसे पहले जिस व्यक्ति ने की थी 1868 में की थी, और दादा भाई नरौजी ने की थी, दादा भाई नरौजी। मैं जानता हूं आपको नाम याद होगा ऑलमोस्ट, लेकिन आपको ईयर नहीं याद होगा, तो देखो जो इंपॉर्टेंट है उसका ईयर है, क्लियर है ना, ईयर को ध्यान रखना दोस्त। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य क्षेत्र जो नेशनल इनकम है दोस्त, कृषि, देखो कृषि पे हम लोग डिपेंडेंट है, लेकिन कृषि से उतना टैक्स नहीं मिलता जितना सर्विस से, क्लियर है ना, सर्विस सेक्टर से मिलेगा, क्लियर है दोस्त, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा,
दूध का खटास के कारण होता है। अब एक क्वेश्चन हम लोग केमिस्ट्री और बायो, अब साइंस के सेक्शन से क्वेश्चन, चूंकि आज कंप्लीट मॉक टेस्ट है, आज कंप्लीट मॉक टेस्ट है, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और 3 दिन लगातार ये मॉक टेस्ट है, अपने आपको जरा चेक करो। दूध का खटास के कारण होता है, तो दोस्त हम लोग को पता है लैक्टोबैलिसिस नाम का एक जीवाणु होता है, उसकी वजह से, लैक्टोबैलिसिस नामक बैक्टीरिया की वजह से, क्लियर है। अच्छा, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम क्या है, विषाणु या फिर वायरस या फिर इसको दोस्त हम लोग कहते हैं विषाणु, क्लियर है ना, वायरस या विषाणु की खोज किसने की जरा बताइएगा, विषाणु की। आजकल वायरस बहुत चर्चा में है, वायरोलॉजी, वायरस के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं, तो जीवाणु की खोज किसने की है दोस्त, विषाणु की खोज किसने की है, और यहां पे आपको बताना है दोस्त जीवाणु और विषाणु की खोज, तो भैया जीवाणु की खोज किसने की है, ल्यूवेन हॉक ने, ल्यूवेन हॉक, क्लियर है ना, ल्यूवेन हॉक ने। और दोस्त विषाणु की खोज किसने की है, तो इवान वोस्की ने, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने, ठीक है। हाँ बिल्कुल रोहित वर्मा जी, बिल्कुल आपको बताया जाएगा, ठीक है रोहित वर्मा जी, तो जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने, क्लियर है, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने, ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्लियर है भाई। देखो रोहित पूछ रहे हैं, तो उन्हें अगर कोई दोस्त जानता हो तो उसे बता दीजिएगा, ठीक है। हाँ रोहित वर्मा, आपके क्वेश्चन का आंसर कोई ना कोई स्टूडेंट दे देगा, क्योंकि मैं थोड़े क्वेश्चन पे भी कंसंट्रेट करूं, बिल्कुल आपको मेरे आपके क्वेश्चंस का, रोहित वर्मा के क्वेश्चन का आंसर कर दीजिएगा अगर कोई जानता हो तो। दूध का खटास के कारण होता है, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक, जीवाणु की खोज ल्यूवेन हॉक ने की है, विषाणु की खोज इवान वोस्की ने की है। अगला क्वेश्चन, बॉटनी के रूप में भी जाना जाता है। सर दोस्तों आपको बताना है बॉटनी को अन्य किस रूप में जाना जाता है, और दोस्त आपको साथ में यह भी बताना है कि जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान का जनक, जंतु और जीव विज्ञान का जनक, जंतु और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, विज्ञान का जनक, जंतु और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, क्लियर है जरा बताइएगा, जंतु और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो भाई याद रखेगा, जंतु और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो प्लांटोफाइटा बॉटनी का एक रूप है, और दोस्त जंतु और जीव विज्ञान का जनक हम लोग किसको कहते हैं दोस्त, अरस्तु को, अरिस्टोटल को, अरस्तु को कहते हैं, क्लियर है, जंतु और जीव विज्ञान का जनक। अच्छा बॉटनी का जनक हम लोग किसको कहते हैं दोस्त, थियोफेस्टस को, थियोफेस्टस, क्लियर है, थियोफेस्टस को, ये सारे नाम याद रखना, थियोफेस्टस को, क्लियर है, बॉटनी का जनक हम लोग किसको कहते हैं, तो थियोफेस्टस को, क्लियर है, बिल्कुल जीएसजीके भाई आशुतोष, ठीक है ठीक है। बॉटनी के रूप में भी जाना जाता है थियोफेस्टस को, जंतु और जीव विज्ञान का जनक कौन है, तो अरस्तु है, क्लियर है। अच्छा एक बात यहां पे आप और बता सकते हैं कि चिकित्सा शास्त्र का जनक, एक क्वेश्चन है चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, मेडिकल साइंस का जनक, चिकित्सा शास्त्र का जनक, ये मुझको लगता है बहुत कम लोग को शायद पता होगा कि चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है, जरा बताइएगा दोस्त चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है। तो दोस्त याद रखना चिकित्सा शास्त्र का जनक जिसे कहा, पहले मैं आपके कमेंट देखूंगा, बड़े भारद्वाज जी, आरूही जी, जय श्री राम, कुमारी स्वीटी, कुसुम, रूही तिवारी, भीमनाथ प्रसाद, स्तुति कुमारी, डियर स्टूडेंट, आप जरा बताइएगा कि चिकित्सा सार का जनक किसे कहा जाता है, ऋतुराज सिंह, वर्षा राजपूत और शांतनु प्रधान, जरा बताना दोस्त चिकित्सा शास्त्र का जनक। दोस्त याद रखना हिप्पोक्रेटस को, किसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है, कई बार पूछा गया। देखो चरक भारत के लेवल पे है, चरक को हम लोग कहते हैं आयुर्वेद के लिए, चिकित्सा के लिए दोस्त, शल्य क्रिया का जनक भारत में चरक को कहा जाता है, शल्य क्रिया जिसे आप ऑपरेशन कहते हो, सबसे पहले चरक ने किया था, उन्होंने चरक संहिता नामक बुक भी लिखी है, लेकिन दोस्त जब हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं जो चिकित्सा शास्त्र का जनक हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे क्या है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल किनू आपका आंसर सही है, और किनू जी आपको आपके क्वेश्चन का, पिछले क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन, NaCl के पास है, अब देखो केमिस्ट्री का क्वेश्चन, ऐसा मॉक टेस्ट पेपर आज आपसे करवाऊंगा कि आपको रियल में 3 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार में आपको अपनी क्षमता समझ में आएगी कि क्या क्या पढ़ना है। NaCl के पास है दोस्त, याद रखना NaCl के पास आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक बॉन्ड होता है NaCl के पास, क्लियर है, आयनिक बॉन्ड होता है NaCl के पास।
अच्छा, जिसमें एन ए प्लस होता है, सी एल माइनस होता है। एन ए कितने पे आता है, 11वें नंबर पे आता है, सी एल 17वें। एन ए प्लस सी एल माइनस, क्लियर है ना। चलिएगा अब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया। अच्छा, यहां पे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में लोग बहुत खरे। देखो दोस्त, इलेक्ट्रॉन का तो सबको क्लियर रहता है, न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन में दो लोगों का नाम एक्चुअली आता है, एक चैडविक का भी नाम आता है। प्रोटॉन में दो लोगों का नाम रहता है, एक चैडविक का भी नाम रहता है और एक रदरफोर्ड का भी नाम रहता है, क्लियर है ना। तो प्रोटॉन को जब आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज मत हुआ करो, ये इन दोनों लोगों का सम्मिलित प्रयास है, चैडविक और रदरफोर्ड। वहीं दोस्त इलेक्ट्रॉन तो जे जे थॉम्सन, इसके लिए तो थॉम्सन क्लियर है, इलेक्ट्रॉन के लिए थॉम्सन। न्यूट्रॉन के लिए दोस्त तो आपका, अच्छा यहां पुरोहित नहीं होगा, पिछले पुरोहित नहीं होगा, ये ऑक्सीजन की खोज किए थे पिछले ने। न्यूट्रॉन दोस्त कौन आपके, ईटा पर, ठीक है, ईटा पर चैडविक का भी नाम कभी की, और यहां पे चैडविक। लेकिन दोस्त मैं आपको बताऊं, ये कंफ्यूजिंग है, अक्सर जगह आपको रदरफोर्ड का ही नाम मिलेगा, अक्सर जगह दोनों का नाम मिलता है। कुछ लोकल बुक्स क्या कर दिए हैं कि चैडविक का भी नाम, अच्छा बल्कि चैडविक की जगह दोस्त गोल्ड स्टीन, एक व्यक्ति है गोल्ड स्टीन, इनका नाम मिलता है जो काफी हद तक सही है। गोल्ड स्टीन का नाम मिलता है जो काफी हद तक सही है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। गोल्ड स्टीन का नाम भी प्रोटॉन में आता है, चलेगा। अच्छा यहां पे कोई बता सकता है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है। एक तत्व होता है दोस्त पॉजिट्रॉन, प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की है और फोटॉन की खोज किसने की है। पॉजिट्रॉन और फोटॉन की खोजकर्ता का नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में जुड़िएगा और जरा बताइएगा पॉजिट्रॉन और फोटॉन की खोज किसने की है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सभी को रटे हैं दोस्त। याद रखना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का आपको मास, द्रव्यमान और आवेश जरूर याद रखना, और इनका चार्ज, मास और चार्ज ये जरूर दोस्त याद रख लेना। मास और चार्ज एक क्वेश्चन रेलवे अक्सर पूछ देता है, मास और चार्ज बिल्कुल पूछ देता है। तो दोस्त पॉजिट्रॉन की खोज किसने की है, तो याद रखना दोस्त एंडरसन ने। आप देखना अपनी जो लूसेंट हो, अरिहंत हो, आपके पास स्पीडी हो, जिस भी राइटर पब्लिकेशन की आप बुक पढ़ते हो देखना ये क्वेश्चन आए हैं। और फोटॉन की खोज दोस्त आइंस्टीन, फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी, ठीक है, फोटॉन की खोज आइंस्टीन ने की थी। चलेगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, क्लियर है, अगला क्वेश्चन क्या है। एक्सरे की धाराएं हैं इलेक्ट्रॉन, ये क्वेश्चन आपका रहेगा होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप बस एक बार देख लो, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है जिसे आप कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करके आंसर करोगे। मैं एक मदद कर, एक्सरे की खोज किसने की थी, तो रोटेंजन ने। एक्सरे की खोज किसने की है, तो रोटेंजन, क्लियर है ना, एक्सरे की खोज रोटेंजन ने की। आपको होमवर्क में बताना है कि एक्सरे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, फोटॉन्स है या इनमें से कोई नहीं, ये आपको होमवर्क में जाके बताना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई, बिल्कुल अखिलेश, नवीन, ऋतु लथवाल जी, जे ठाकुर, क्रिएटिंग पॉइंट दोस्त उमेश कुमार यादव जी, जयप्रकाश नारायण, जरा बताना दोस्त, बहुत बढ़िया नाम है यार तुम्हारा जयप्रकाश नारायण, क्योंकि जेपी आंदोलन हुआ था 1976 ईस्वी में। प्रतिरोध की इकाई, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है दोस्त, याद रखो एक बार मैंने आपको बताया था प्रतिरोध की इकाई क्या है, अगर कोई भी बता सके कि प्रतिरोध की इकाई क्या है, क्लियर है दोस्त, जरा बताइएगा प्रतिरोध की इकाई क्या है दोस्त। याद रखना जो प्रतिरोध होता है दोस्त वो क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, यही R आपका रेजिस्टेंस है, इसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, ओम लॉ कहते हैं, ओम का नियम, क्लियर है। कभी कभी यही पूछ जाता है कि ओम का नियम क्या है, यही R आपका रेजिस्टेंस या फिर आपका क्या है, प्रतिरोध है। तो आप अगर ऐसे निकालो तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान I, और अगर V को हम लोग देखें तो V का क्या होता है, वोल्ट होता है, V का वोल्ट होता है, और I का क्या होता है दोस्त, I का एम्पियर होता है, करंट की धारा का एम्पियर होता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर, तो वोल्ट प्रति एम्पियर इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, वोल्ट प्रति एम्पियर, क्लियर है, वोल्ट पर एम्पियर, ये गुणा में नहीं, यहां पे देखो ये गुणा किया है और यहां पे देखो ये, क्लियर है ना, ये डिफरेंस है। ऐसे डिफरेंस को भी आपको एग्जाम में ध्यान देना पड़ेगा, ऐसा डिफरेंस भी ध्यान देके करना, ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा, क्लियर है। तो भैया ये चीज आपको ध्यान देकर के करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण वर्णक है, प्राइमरी फोटोसिंथेसिस पिगमेंट इज,
अब जरा जानो दोस्त, क्लोरोफिल जो होता है ना, क्लोरोफिल भी चार प्रकार का होता है। एक होता है क्लोरोफिल ए, एक क्लोरोफिल बी, एक होता है कैरोटीन, एक होता है जैंथोफिल। ये जो चारों ऑप्शन दिए हैं ना दोस्त, क्लोरोफिल चार, क्लोरोफिल के चार वर्णक होते हैं, क्लोरोफिल के चार कंपोनेंट होते हैं, चार वर्णक या कंपोनेंट होते हैं, क्लियर है? क्लोरोफिल के चार प्रकार वर्णक होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, चार वर्णक होते हैं। अब वो कौन कौन से हैं? एक ये होता है, एक ये होता है, एक दोस्त आपका ये जैंथोफिल होता है, और एक होता है क्लोरोफिल बी। आपको बताना है कि प्राथमिक संश्लेषण कौन है। अच्छा, मैं यहीं पे एक चीज आपको और बताऊं, क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है? क्लोरोफिल के केंद्र में, क्लोरोफिल के केंद्र में, क्लोरोफिल के, ये क्वेश्चन बहुत शानदार है, केंद्र में कौन सा एटम होता है, कौन सा तत्व पाया जाता है, तत्व पाया जाता है, क्लियर है? क्लोरोफिल के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है, ये भी एक आंसर करिएगा भाई। आज शेयर और लाइक नहीं हो रहा है, 14वें क्वेश्चन पे पहुंच गए, लेकिन शेयर लाइक की संख्या बहुत कम है, और मैं देख रहा हूं दोस्तों कि आप करीब 500 स्टूडेंट पहुंच गए, लेकिन लाइक नहीं किए हो अभी तक। प्लीज डू योर लाइक, क्लियर है? लाइक करिए दोस्तों, ताकि हमें भी लगे कि जो मैं पढ़ा रहा हूं, जो मैं मॉक टेस्ट ले रहा हूं, यूजफुल है, क्लियर है भाई? इसका आंसर पहले तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका आंसर हो जाएगा दोस्त मैग्नीशियम, क्लियर है? क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का परमाणु पाया जाता है। और प्राथमिक संश्लेषण वर्णक कौन सा है दोस्त? याद रखना, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए प्राथमिक संश्लेषण वर्णन है। क्लोरोफिल के चार वर्णक होते हैं। कैरोटीन के ही कारण पत्तियों का रंग पीला होता है, कैरोटीन के ही कारण पत्तियों रंग का रंग पीला होता है। क्लोरोफिल ए और बी के कारण हरा होता है, जैंथोफिल कारण इनका कलर होता है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम कुमार जी, आपने लाइक किया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। यही लाइक तो मैं अब्दुल अजीज से भी, आरूही से भी, करण एजुकेशन से, सभी से चाहता हूं, जयप्रकाश नारायण जी, यही लाइक तो मैं आपसे भी चाहता हूं। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है? कौन सी नदी है दोस्त जो दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है? दोस्त याद रखना, इसका आंसर है आपके कॉन्गो नदी, जिसे हम लोग समटाइम जायरे नदी के नाम से भी, जायरे के नाम से भी जानते हैं, क्लियर है? जिसे हम लोग समटाइम जायरे नदी के नाम से भी जानते हैं। आपको एक क्वेश्चन का जरा कोई आंसर कर दे, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी, सबसे मतलब जिसपे ट्रस्ट नहीं, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है? विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है? जरा कमेंट बॉक्स में जाके कोई भी बता दे कि विश्व की, सपना जी, सिद्ध जी, जयप्रकाश, अर्पिता, जरा दोस्त बता दीजिएगा कि विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी किसे कहा जाता है, अगर आप ये बता दें तो। और नील नदी की देन, नील नदी का देन किसे कहते हैं? नील नदी का देन किसे कहते हैं दोस्त? याद रखना, इसका आंसर तो हांगो नदी, कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है, हांगो नदी। विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है दोस्त, ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है। याद रखना दोस्त, हांगो नदी, हांगो नदी, क्लियर है ना? हांगो नदी को हम लोग विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कहते हैं, जबकि नील नदी का देन दोस्त हम लोग मिस्र को कहते हैं, नील नदी का देन हम लोग मिस्र को कहते हैं, क्लियर है? और भारत में ब्रह्मपुत्र किसको कहते हैं? तो याद रखना दोस्त, ब्रह्मपुत्र को असम का सोक कहते हैं, असम का सोक, दो तीन है, असम का सोक कहते हैं ब्रह्मपुत्र को। साथ ही साथ दोस्त, ब्रह्मपुत्र को असम का लाइफ लाइन भी कहते हैं, क्यों? अगर इसमें बाढ़ आ गया तो ये सोक बन जाती है, और बाढ़ जब नहीं रहता है तो असम की लाइफ लाइन। नर्मदा को दोस्त, नर्मदा को मध्य प्रदेश का लाइफ लाइन, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी, क्लियर है? नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी कहते हैं, क्लियर है? उसके अलावा दोस्त, कोसी को बंगाल, कोसी को बिहार का सोक, कोसी बिहार का सोक, देखो दोहराना बहुत जरूरी है, कोसी को बिहार का सोक, और दोस्त आपको कोशी को बिहार का सोक, और दामोदर को क्या कहते हैं? बंगाल का सोक, दामोदर को बंगाल का सोक। अच्छा, बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है? अगर मान लो यही सोक की जगह वर्ड हो जाता आतंक, तो आपका आंसर क्या हो जाता दोस्त? क्योंकि ये भी क्वेश्चन रिलेटेड है तो जान लीजिएगा, बंगाल का आतंक दोस्त हम लोग कहते हैं जलकुंभी को, जो नदियों में जलकुंभी नहीं हो जाती यार दोस्त, उन्हीं को हम लोग बंगाल का आतंक भी कहते हैं, बंगाल का आतंक भी कहते हैं। सारा दोहरा के रख लीजिए, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी हांगो नदी, नील नदी का देन मिस्र को कहते हैं, जहां आसवान शहर बसा है,
और कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार काटती है? तो आपकी आपकी कांगो नदी, ब्रह्मपुत्र को असम का शोक, असम का लाइफलाइन भी कहा जाता है, नर्मदा को मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी नदी भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। बाल्टिक सागर से उत्तरी समुद्र में शामिल होने वाला नहर कौन सा है? अब देखो, कह रहा हूं ना मॉक टेस्ट, मतलब मॉक टेस्ट होता है, जरा बताइएगा। आपको बताना है दोस्त कि उसका नाम क्या है। मैं बता दे रहा हूं कि वो जो भी है दोस्त, कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच का है, ठीक है? आपको बीच का तो नहीं कहूंगा, बताइएगा जरा। आपको ये नहर की बात है ना, यहां यहां नहर की बात कर रहा है ना। आपको ये भी बताना है सू नहर और ईरी नहर कहां पाए जाते हैं। सू नहर और ईरी नहर का देश आपको बताना है। सू नहर और ईरी नहर कहां पाया जाता है। स्वेज नहर कहां है, स्वेज नहर, क्लियर है? स्वेज नहर का आपको निर्माण बताना है। स्वेज नहर का निर्माण कब हुआ और राष्ट्रीयकरण कब हुआ? स्वेज नहर का निर्माण, राष्ट्रीयकरण और दोस्त इसके निर्माता इंजीनियर का नाम, ये तीन चीजें आपको स्वेज नहर में बतानी है। साथ ही साथ दोस्त आपको एक और बताना है कि पनामा नहर जो है, पनामा नहर वो कहां पड़ती है और उसको क्या कहते हैं, पनामा नहर कहां पड़ती है। तो दोस्त इन चार सा पांच क्वेश्चन का आंसर करो। देखो इसका आंसर तो आपका सही है, कील नहर, बाल्टिक सागर से उत्तरी समुद्र को जोड़ने वाली कील नहर, ये पड़ती है दोस्त जर्मनी में, ये पड़ती है जर्मनी में। सू नहर और इरी नहर दोनों पड़ते हैं यूएसए में, दो के दोनों पड़ते हैं यूएसए में। स्वेज नहर का जो निर्माण हुआ दोस्त, अगर हम लोग, मतलब आपके कमेंट बॉक्स भी देखना ही पड़ेगा, बिल्कुल कमेंट बॉक्स, बिल्कुल आनंद जी, मौसमी जी, एलोरा जी, निम्बुज वीरधर और अविनाश पटेल, वीना पाल गया से, जरा देखना। स्वेज नहर का निर्माण, राष्ट्रीयकरण और निर्माता, सबसे पहले इसके अगर हम लोग निर्माता की बात करें तो फर्दी नंद द लैप्सिस, फर्दी नंद द लैप्सिस रेलवे में कई बार पूछा है, फर्दीनंद द लैप्सिस निर्माता का नाम है। राष्ट्रीयकरण की यदि हम लोग इसके बात कर देंगे दोस्त, तो राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ है, जबकि अगर हम लोग स्वेज नहर के निर्माण की बात कर देंगे दोस्त, तो ये 1869 में हुआ है, 1869 में हुआ है, ध्यान रखिएगा 1869 में हुआ है। और दोस्त बिल्कुल रोहित वर्मा जी, आप लोग के कमेंट देखने के लिए मुझे देखो मोबाइल का उपयोग करना पड़ता है, कई बार मुझे मोबाइल का उपयोग करना पड़ता है, तो अब झुक के देखना भी पड़ता है, एक दोस्त बोल रहे हैं तो दोस्त इसीलिए कमेंट देखने में थोड़ा लेट हो जाता है, क्लियर है? तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि अब यार वर्क फ्रॉम होम है, घर से लेक्चर ले रहा हूं ये। अच्छा हाँ बिल्कुल, अमित कुमार जी, शिवम जी, हाँ 11 बजे से, बिल्कुल जी चौधरी भीवा राम जी, डेली रोज ये 11 बजे शो चलता है। अच्छा पनामा नहर के बारे में हम लोग बात किए थे दोस्त, पनामा नहर को प्रशांत महासागर का द्वार भी कहते हैं, याद रखना पनामा नहर को प्रशांत महासागर का द्वार, प्रशांत महासागर का द्वार कहा जाता है। नहर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे हैं। पनामा नहर का निर्माण कब हुआ था दोस्त, तो इसका भी याद रखना 1914 में निर्माण हुआ था। एक पनामा नहर और एक स्वेज नहर का आपसे ईयर भी पूछ देता है, क्लियर है? पनामा नहर का 1914 में निर्माण हुआ था और दोस्त इसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रशांत महासागर का द्वार, ठीक है? तो प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, तो स्ट्रोम्बोली को, प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को। चलेगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे, ये निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इग्नीशियस रॉक। अब आपको देखो, अब क्वेश्चन कितने वेरिएशंस में है, आज आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि मोरलिन दोस्त एग्जाम तो मैं नहीं कह सकता कब होगा, लेकिन 4 महीने बाद हो चाहे 6 महीने बाद हो, एनटीपीसी की जो भी 1 लाख पोस्ट आई है दोस्त वो भरी जरूर जाएंगी, भले हम लोग कोरोना के नाम पे बैठ जाएं, तैयारी करना छोड़ दें कि 1.5 साल हो गया है, वो हो सकता है हमें आपको ना मिल पाए नौकरी, लेकिन दोस्त जो कंटिन्यू लगा रहेगा, क्या हुआ जो पूरे जीवन को बदलने के लिए हम 1.5 साल 2 साल रेलवे की तैयारी में लगा दिए और उसको क्वालिफाई कर दिए, 40 साल हम अपना सुधार सकते हैं ये बिना सोचे कि एग्जाम कब होगा। एग्जाम जब भी हो कंटिन्यूटी नहीं तोड़ना है बस। निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है दोस्त, तो बेसाल्ट, क्लियर है? कौन सा, तो बेसाल्ट, यहां BE होगा, बेसाल्ट, क्लियर है? बेसाल्ट चट्टान। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सुनामी के कारण उत्पन्न होते हैं, सुनामी के कारण उत्पन्न होते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है दोस्त कि भूकंप आने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, भूकंप आने पर कौन सी गैस
कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस रिलीज होती है, कौन सी गैस निकलती है। जरा ये क्वेश्चन का भी आंसर करना, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भूकंप आने पे कौन सी गैस निकलती है। तो सुनामी किसके कारण आते हैं दोस्त, तो अर्थक्वेक के कारण, सुनामी अर्थक्वेक के कारण। इसको हम लोग किस पे मापते हैं, तो रिक्टर स्केल पे, हम लोग रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापते हैं, रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। क्लियर है दोस्त, आपको बताना है भूकंप आने पर कौन सी गैस इन्वायरमेंट में मुक्त होती है। मैं आपके सारे क्वेश्चन के आंसर देखना चाह रहा हूं। देखो सागर के तल पर भूकंप की, समुद्र की लहरों की वजह से नहीं, समुद्र की लहरों पर भूकंप के कारण, जो लहर भूकंप के कारण जो समुद्र की लहरों पर उत्पन्न होता है हलचल, उसकी वजह से सुनामी आती है। तो इन दो क्वेश्चंस में कंफ्यूज मत होना, सागर में लहर ही क्यों उत्पन्न होगा जब तक नीचे से उसका पूरा बेस न हिल जाए, जरा समझिएगा। बहुत सारे दोस्त रेडॉन गैस लिख रहे हैं, कोई नाइट्रोजन लिख रहा है, बिल्कुल रेडॉन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका क्वेश्चन का आंसर मैं सभी से कमेंट बॉक्स में चाहूंगा, आज सभी लोग यहां ना करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा आज के। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। देखो दोस्त सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे, अब यहां तो आपको ऑप्शन के हिसाब से करना है, क्लियर है, यहां तो आपको ऑप्शंस के हिसाब से करना है, लेकिन दोस्त सबसे नजदीक का जो तारा है वो इसमें ऑप्शंस में दिया ही नहीं है। आपको पता है दोस्त कि वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, आपको पता है कि जो न ही आपका साइरस है, न ही आपका डेनब है, न ही आपका वेगा है। अब पूछ रहा है विच इज द क्लोजेस्ट स्टार, तो भाई फिर इसका आंसर तो सूर्य के बाद हम लोग देखें तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा। तो यहां तो आपका क्लियर है पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। यहां पे इसके सारे ऑप्शंस गलत हैं। हां बिल्कुल अर्पिता सरकार जी, रेडॉन 100% बिल्कुल, चलिएगा आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। चलिएगा अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ। यहां पे आप आंसर करेंगे, मैं आपको सारा बता दूंगा किसके शासनकाल में क्या हुआ। भाई जाहिर सी बात है जहांगीर, जहांगीर के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ। लेकिन दोस्त एक बार रेलवे ने पूछा था कि दसवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे, ये दो चित्रकार थे, याद रखना दोस्त, दसवंत और बसावन अकबर के दरबार के चित्रकार थे। क्लियर है, अकबर, अकबर के दरबार में, अकबर के समय साहित्य का विकास हुआ, साहित्य का स्वर्णकाल। क्लियर है, अकबर के समय को साहित्य का स्वर्णकाल कहते हैं, याद रखना। जहांगीर के समय को दोस्त कला का स्वर्णकाल कहते हैं, सभी लोग ध्यान से, कला का स्वर्णकाल, कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और दोस्त जरा लाइक की संख्या भैया बढ़ नहीं रही, शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, स्थापत्य मतलब जो स्टेबल बिल्डिंग है का स्वर्णकाल। क्लियर है, स्वर्णकाल। और दोस्त औरंगजेब के समय ऐसा कुछ भी नहीं है। और दोस्त एक और है बाबर, बाबर के समय को बाग बगीचों का स्वर्णकाल, बाग बगीचों का स्वर्णकाल। क्लियर है ना, बगीचों का स्वर्णकाल। तो मुगलों में कितने लोगों के टाइम को क्या कहा जाता है वो याद रखो, बाग बगीचों का स्वर्णकाल, अकबर साहित्य का स्वर्णकाल, जहांगीर कला का स्वर्णकाल, शाहजहां स्थापत्य कला का स्वर्णकाल। ठीक है, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल किस समय को कहते हैं, तो याद रखना दोस्त भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल हम लोग कहते हैं गुप्त वंश को, गुप्त काल को, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल हम लोग कहते हैं गुप्त काल को। क्लियर है, गुप्त काल को, भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल गुप्त काल को। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था, नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या फिर वल्लभाचार्य। दोस्त याद रखना भक्ति पंथ से नागार्जुन का कोई संबंध नहीं था, नागार्जुन एक क्या थे, बौद्ध दार्शनिक थे, बौद्ध दार्शनिक। क्लियर है ना, नागार्जुन दोस्त आप सभी को भी पता होगा एक बौद्ध दार्शनिक हुआ करते थे नागार्जुन। उसके अलावा बौद्ध धर्म की एक बड़ी फेमस बुक है मिलिंद पनहो, मिलिंद पनहो, मिलिंद पनहो बौद्ध धर्म की एक फेमस पवित्र किताब है जिसको नागार्जुन और जिसमें मिनांडर, मिनांडर मतलब मिलिंद के प्रश्न उत्तर का संग्रह है। क्लियर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले भैया आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि भाई आंसर तो करिए। नीलू गोस्वामी जी, मौसमी प्रधान, सारानपुर, रिक्तिका शर्मा, इमरान चौहान, भाई जरा आंसर करो और साथ ही साथ लाइक की संख्या आपको बढ़ानी है, लाइक की संख्या आपको 500 के पार लेके चली जानी है।
चलिएगा अगले पे जाएंगे और देखेंगे क्या है अगला। जन्म दर में अचानक कमी आएगी, ऐसा क्या होगा कि जन्म दर में अचानक कमी आएगी? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, निवेश में वृद्धि, बचत में वृद्धि, ऋण अनुरोधों में वृद्धि। जन्म दर में अचानक कमी कब आएगी दोस्त, जरा बताइएगा। जन्म दर में कमी आएगी तो क्या होगा? तो दोस्त याद रखना, यदि जन्म दर में कमी होगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अब लोग कम होंगे तो लोगों की इनकम बढ़ेगी ना, लोग कम होंगे तो लोगों की इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर लोग कम होंगे, जन्म दर में कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय में जन्म बढ़ेगा। अच्छा, हिंदू वृद्धि दर का संबंध किससे है? तो याद रखना, हिंदू वृद्धि दर का संबंध नेशनल इनकम से है। क्लियर है, हिंदू वृद्धि दर का? बिल्कुल राहुल वर्मा जी, दीपशिखा कश्यप जी, रचना, तो देखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल आप लोग से ये उम्मीद है दोस्त, आप लोग लाइक किए होंगे। जो हमारे नए दोस्त जुड़ते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई प्लीज लाइक किया करें। अगला, हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया था, हर्षवर्धन ने किसको पराजित किया था दोस्त? यहां पे वर्धन वंश की बात है, ये वर्धन वंश की बात हो रही है। इसी वर्धन वंश को दोस्त हम लोग पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। इसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं, वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश। क्लियर है, या पुष्यभूति वंश। इस वंश का फाउंडर कौन था? तो पुष्यभूति खुद था। क्लियर है ना, पुष्यभूति ही कौन था दोस्त? तो फाउंडर था। वर्धन वंश का फाउंडर कौन था? तो पुष्यभूति ही था। हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया था दोस्त, तो याद रखिएगा, हर्षवर्धन द्वारा, तो हर्षवर्धन यहां होगा किसके द्वारा, मतलब हर्षवर्धन को किसने हराया? तो हर्षवर्धन को दोस्त हराने वाले व्यक्ति का नाम था पुलकेसिन द्वितीय। हर्षवर्धन को पुलकेसिन द्वितीय ने हराया था। बिल्कुल, हर्षवर्धन को, हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो पुलकेसिन द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। प्रभाकर वर्धन, नरसिंह वर्मन, शशांक, ये लोग तो मतलब उसी समय के लोग हैं, लेकिन हर्षवर्धन को पराजित किसने किया था? तो पुलकेसिन द्वितीय ने पराजित किया था। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। भगवान बुद्ध ने अंतिम में कहां सांस ली थी, मतलब अंतिम उनका कहां था? अच्छा, आपको यह भी बताना है, याद रखना दोस्त, उन्होंने जो अंतिम में किया था कुशीनगर। क्लियर है, यही कुशीनगर में ही उन्होंने अपना अंतिम उपदेश भी दिया था। अगर आपसे कभी यह पूछ दे कि अंतिम उपदेश कहां दिया है, तो कुशीनगर में। बोध गया में तो उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है, यहां पर तो उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, अंतिम उपदेश। और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है सर्वाधिक उपदेश, तो दोस्त आपको याद रखना होगा इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहां दिया था, तो याद रखना सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध ने कहां दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। महात्मा बुद्ध ने कहां पे दिया था, तो श्रावस्ती में दिया था। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया था, ठीक है दोस्त। अच्छा, इनकी मृत्यु कुशीनगर में कैसे हुई थी दोस्त? एक इनके परिचय के व्यक्ति द्वारा शुक्र माधव के प्रयोग के कारण। शुक्र माधव, लोग कहते हैं सुअर का मांस, ठीक है, या सुकर का मांस इनको धोखे से खिला दिया गया, जिससे इनको बड़ी आत्मग्लानी महसूस हुई। सो शुक्र माधव खाने के कारण, कुछ बुक्स में उसका नाम शुक्र माधव खाने के कारण। और इनके मृत्यु को हम लोग महापर्व निर्माण कहते हैं, इनके प्रथम उपदेश को हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। याद रखना, धर्म चक्र प्रवर्तन, इनके प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है दोस्त। और इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिस क्रमण कहा जाता है। इनके घर छोड़ने की प्रक्रिया को महाभिनिस क्रमण कहा जाता है। क्लियर है, इन्होंने दोस्त किस भाषा में उपदेश दिया, तो याद रखना इन्होंने पाली भाषा में उपदेश दिया। इनको ज्ञान की प्राप्ति के बाद क्या कहा गया, तो याद रखना ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें तथागत कहा गया। महात्मा बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाने जाते हैं और तथागत के भी नाम से जाने जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है, तो महाभिनिष्क्रमण को ये कहते हैं। बिल्कुल प्रोग्रेस जी, आपका भी नाम लिया जाएगा, लेकिन आपने अपना नाम ही सही नहीं रखा। एक दोस्त है प्रोग्रेस, अब वो अपना नाम रखे प्रोग्रेस इंस्टीट्यूट, मतलब या तो मैं उनके कोचिंग होगी उसका प्रमोशन करूं यहां बैठ के। दोस्त अपना नाम रख लो ना, जो आपका ओरिजिनल नाम है, मुझे लेने में क्या जाएगा। और ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे ही टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए मेरे साथ, और वो उससे हमसे बोलते हैं सर अपना नाम भी अजीब अजीब रख देते हैं, अब उस नाम को लू तो लू कैसे। क्लियर है कि प्रोग्रेस नाम कोई ऐसा नाम तो है नहीं, इवन दो कि आप हॉलीवुड से जब तक बिलोंग ना करते हो। यदि आप हॉलीवुड से बिलोंग करते होंगे तो इट मे बी क्वाइट पॉसिबल कि आपका नाम उसमें प्रोग्रेस हो। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। हाँ बिल्कुल, आपका मैं मोबाइल देख ले रहा हूं भाई, मोबाइल देख ले रहा हूं।
रोहित वर्मा जी, ऋचा कुमारी जी, चंदन, संतोष, आरुही, पंकज दहिया जी, अब चलिएगा संतोष आजाद दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अब आपको ये बताना है। तो भाई याद रखेंगे, सांची का स्तूप पहले पड़ता कहां है, तो ये तो पड़ता है दोस्त मध्य प्रदेश में, कहां पड़ता है सांची, मध्य प्रदेश में प्लेस है सांची का स्तूप, क्लियर है। सांची दोस्त भोपाल के नजदीक है, 50-60 किलोमीटर के, 50 किलोमीटर के रेंज में सांची है, वहां पे दोस्त स्तूप है महात्मा बुद्ध का, और उसका निर्माण कराने वाला अशोक था। अशोक ने दोस्त एक और शहर की भी स्थापना की है, श्रीनगर, क्लियर है ना। जम्मू कश्मीर में आप लोग श्रीनगर का नाम जानते हो ना दोस्त, उसकी स्थापना किसने किया था, वो था आपका श्रीनगर की स्थापना भी अशोक ने किया है दोस्त। अशोक ने भारत में, इससे रिलेटेड पॉइंट जान लो, अभिलेख की शुरुआत भी की है अशोक ने। अशोक के अभिलेख तीन प्रकार के होते हैं, तीनों के नाम जरा जान लो, एक को हम लोग कहते हैं केविडिक्त या गुहा लेख, एक को हम लोग कहते हैं गुहा लेख, एक को हम लोग कहते हैं स्तंभ लेख, मतलब पिलर एडिक्ट, स्तंभ लेख कहते हैं जिसे हम लोग कहते हैं पिलर एडिक्ट, और एक को हम लोग कहते हैं दोस्त गुहा लेख, स्तंभ लेख, और एक को हम लोग कहते हैं शिला लेख, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रॉक एडिक्ट, क्लियर है ना, शिला लेख, क्लियर है, रॉक एडिक्ट। अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था, 261 बीसी में, अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा, तो 261 बीसी में। अशोक ने बौद्ध धर्म किससे स्वीकार किया, तो उपगुप्त से, अशोक ने बौद्ध धर्म किससे स्वीकार किया था, तो उपगुप्त से, क्लियर है। अशोक ने शिलालेखों में, किस शिलालेख में आपके पशु बलि की निंदा की है, तो सेकंड में, ये रेलवे में पूछा है, सेकंड शिलालेख में अशोक ने पशु चिकित्सा की वर्णन किया है, सॉरी पशु चिकित्सा का वर्णन किया है, ठीक है। पहले शिलालेख में अशोक ने पशु बलि वगैरह की निंदा की है। 13वें शिलालेख में अशोक ने कलिंग युद्ध का वर्णन किया है, ठीक है, कलिंग युद्ध का वर्णन किया है 13वें में। अशोक ने शिलालेखों को लिखने में चार लिपियों का प्रयोग किया है, ठीक है, चार लिपियों, किनका, एक याद रखना, ब्राह्मी, एक खरोष्ठी, ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक, ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक और अरमाइक, क्लियर है, ब्राह्मी खरोष्ठी ग्रीक और अरमाइक, इतने का प्रयोग किया है अशोक ने, क्लियर है। और दोस्तों यहां पे अशोक ने प्रयोग किया हुआ है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। हु कंस्ट्रक्टेड सांची स्तूपा, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था, तो अशोक ने किया था, क्लियर है। और दोस्त ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लोग ग्रुप ग्रुप पे पूछते रहते हैं कि सर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, तो वो सारे मैं आपको वहां पे बता दिया करता हूं। यहां पे चलिए रिवीजन राउंड शुरू किया जाए, यदि सभी लोग, अनुराग चौहान जी, अच्छा अब प्रोग्रेस दोस्त ने लिखा कि मेरा नाम अनुराग चौहान है, थैंक यू दोस्त बताने के लिए, लेकिन दोस्त वहां भी चेंज कर लो ना, कितना बढ़िया नाम है अनुराग, और फिर भी आप वहां पे प्रोग्रेस लिखे हुए हो, तो प्लीज दोस्त अगर लगे आपको, वैसे वो आपकी है क्योंकि स्वतंत्रता की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी, आर्टिकल 19 आपको भी प्रोवाइड किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूं, ठीक है। चलिएगा अब रिवीजन शुरू करते हैं। अच्छा आज शाम 7 बजे क्लास है, अभी बता दे रहा हूं, आज शाम 7 बजे, कितने बजे क्लास है, आज शाम 7 बजे, आज शाम 7 बजे क्लास है, और आज शाम 7, अभी तो हम रेलवे के लिए पढ़ा रहे हैं, वहां पे एसएससी और 10+2 सीएचएसएल, एसएससी और 10+2 सीएचएसएल के क्वेश्चन होंगे, जीएस कहीं बदलता नहीं है। कहां पे क्लास होगी, तो एसएससी अड्डा पर, एसएससी अड्डा पर, एसएससी अड्डा पर आज शाम 7 बजे क्लास है, तो वहां सभी को जुड़ना है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवीजन राउंड शुरू किया जाए, रिवीजन राउंड, तो भैया चलो रिवीजन राउंड शुरू हो जाए, जरा एक बार में रिवीजन राउंड करेंगे आज के मॉक टेस्ट पेपर का, और रिवीजन राउंड में भाई लाइक तो आपकी बढ़नी चाहिए, क्लियर है, लाइक यदि आपका पहुंच जाए 700-800 दोस्त, तो बिल्कुल रिवीजन राउंड शुरू कर दिया जाए। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर रिवीजन राउंड शुरू, चलिएगा रिवीजन राउंड, बिल्कुल सभी लोग रेडी हैं, सर जी मजा आ रहा है, नीरज कुमार पांडे जी धन्यवाद, गया ही है सर, गुड क्लास, चलिएगा नेक्स्ट क्लास, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन ये रहा, रिवीजन है, मॉडेम किससे जुड़ा रहता है, भाई जल्दी जल्दी आंसर करूंगा, 2 मिनट के अंदर इसका आंसर करना है, तो मॉडेम जुड़ा रहता है आपके फोन लाइन से, मॉडेम जुड़ा रहता है आपके फोन लाइन से। सीडी किस आकार की होती है, तो भैया कॉम्पैक्ट डिस्क होती है गोल आकार की। वॉल पेन का आविष्कार किसने किया था, वीरो ब्रदर्स ने। फाउंटेन पेन का आविष्कार वाटरमैन ने, ठीक है, राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था, क्लियर है।
भारत के राष्ट्रपति के आपातकाल शक्तियां तीन प्रकार की, 352, 356, 360, तीनों आर्टिकल्स हैं। राज्यसभा की निश्चित ताकत क्या है? 250, वर्तमान में मौजूद कितना है? 245, वर्तमान में मौजूद कितना है? 245। पर्यटन से उत्पन्न आय को हम लोग किसमें रखते हैं दोस्त? तो पर्यटन से उत्पन्न आय को हम लोग इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं, इनविजिबल एक्सपोर्ट। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? सर्विस सेक्टर। क्लियर है? दूध का खटास किसके कारण होता है? लैक्टोबैलेसिस बैक्टीरिया के कारण होता है, लैक्टोबैलेसिस बैक्टीरिया के कारण। अगला, बॉटनी के रूप में प्लांटोफाइटा को कहते हैं, बॉटनी के रूप में प्लांटोफाइटा। NaCl के पास होता है आयनिक बॉन्ड, NaCl के पास आयनिक बॉन्ड। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्त? तो चैडविक ने। ठीक, क्लियर है? अगला क्वेश्चन, एक्सरे की धाराएं, ये तो आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसको आप लोग को कमेंट बॉक्स में जाकर के करना है होमवर्क। अगला क्वेश्चन, प्रतिरोध की इकाई वोल्ट पर एम्पियर, V=IR। क्लियर है ना? V=IR, तो प्रतिरोध की इकाई भी आपकी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी। अगला, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषण वर्णक कौन है? क्लोरोफिल ए। ये चारों प्रकाश संश्लेषण के टाइप है। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण के टाइप है। अगला, अरे सॉरी, किसके टाइप है यार? क्लोरोफिल के, सॉरी क्लोरो। कौन सी नदी भूमध्य रेखा को दो बार पार करती है? कांगो या जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी। अगला, बाल्टिक सागर से उत्तरी समुद्र में शामिल होने वाली नहर कौन है? तो भैया, कौन सी नहर है जो बाल्टिक सागर से उत्तरी में जाती है? तो आपकी कील नहर। कौन सी? कील नहर, जर्मनी। क्लियर है? स्वेज नहर का निर्माण 1869, राष्ट्रीयकरण 1956, इसके निर्माणकर्ता फर्दिन द लैप्सेस। पनामा नहर का निर्माण 1914, पनामा नहर को प्रशांत महासागर का द्वार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय चट्टान है? दोस्त, बेसाल्ट जो होता है वो आग्नेय चट्टान होता है, जो बेसाल्ट होता है दोस्त वो आग्नेय चट्टान होता है। क्लियर है दोस्त? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, सुनामी के कारण उत्पन्न होता है, सुनामी किसके कारण उत्पन्न होता है? अर्थक्वेक के कारण। जब अर्थक्वेक उत्पन्न होता है तो समुद्र की लहरें बहुत ज्यादा उछाल लेती हैं, तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है, तो सुनामी उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सारे ऑप्शंस गलत थे दोस्त, इसमें ऑप्शन ही नहीं था, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता है। अगला, किसके शासनकाल के दौरान मुगल कला चित्रकला का विकास हुआ? जहांगीर। अकबर के दौरान साहित्य का विकास हुआ, शाहजहां के दौरान स्थापत्य कला बिल्डिंग का विकास हुआ, बाबर के दौरान बाग बगीचों का विकास हुआ था। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भक्ति पंथ का समर्थक नहीं था? नागार्जुन, ये तो बौद्ध संत थे। जन्म दर में अचानक कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया पुलकेसिन द्वितीय को, हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित किया गया? तो पुलकेसिन द्वितीय को। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश या सांस कहां लिया था? तो कुशीनगर। अंतिम उपदेश भी कुशीनगर में ही भगवान बुद्ध ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? भैया, सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था, जिसने श्रीनगर नामक शहर बसाया था। क्लियर है ना? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था। क्लियर है दोस्त? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने किया था, यह आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? अच्छा, आज शाम में 7 बजे क्लास है, 7 बजे शाम क्या है? क्लास है दोस्त, 7 बजे शाम क्लास है, आपकी क्लास है। क्लियर है? और कहां पे है? तो SSC अड्डा पर है, SSC अड्डा पर। क्लियर है? शाम 7 बजे SSC अड्डा पर आपकी क्लास है। वहां दोस्त मैं SSC के लिए और 10+2 CHSL के लिए पढ़ाऊंगा, जुड़िएगा जरूर। कमेंट बॉक्स में सभी यस करिएगा, जुड़िएगा, और हमसे आप दोस्त कई माध्यम से जुड़ सकते हैं। क्लियर है? और ये दोस्त आपके लिए ऑफर है, इस ऑफर को ध्यान रखिएगा, ये 1 सब्सक्रिप्शन ऑफर है दोस्त। इस पे दोस्त इस समय आप अड्डा का कोई भी प्रोडक्ट खरीदें आपको 42% और ऐप के थ्रू जाएंगे तो 5% ऑफ, 47% ऑफ है, सिर्फ और सिर्फ मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग करके। तो प्लीज मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग करें, और अड्डा से कोई भी स्टडी मटेरियल, चाहे NTPC का मॉक टेस्ट पेपर हो, ई बुक हो, वीडियो क्लासेस हो, लाइव क्लासेस हो, या फिर आपका ये फाउंडेशन बैच ही क्यों ना हो, आप सभी को क्या कर सकते हैं? परचेस कर सकते हैं। इस SSC के फाउंडेशन बैच को दोस्त, जो 19 मई से स्टार्ट हो रहा है लेने के लिए, आप मेरे रेफरल कोड Y182 का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे दोस्त आपको 42% ऑफ मिलेगा, प्लस 5% अगर यही मेरा कोड आप ऐप पे प्रयोग करते हैं अड्डा के तो मिल जाएगा। टोटल आपको दोस्त 47% ऑफ मिल रहा है। तो भैया फायदा उठाओ, फाउंडेशन बैच में जुड़ो, वहां बहुत डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। ठीक है? बिल्कुल चौधरी साहब, आपको कोई ना कोई आंसर कर देगा। विजय प्रसाद, जरा दोस्त कमेंट कर देना, देखो चौधरी साहब आपके 3-4 कमेंट के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं।
तो सपना कुमारी जी, मनवेंद्र सिंह जी, जरा कमेंट कर देना, विजय प्रसाद मेरे दोस्त, चलेगा। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, आपको पढ़ा करके बता करके अच्छा लगा। लाइक जरूर करते हुए जाना, सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना।